Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 4D of class 7th mathematics. In this chapter we will discuss that how we will change any given number in scientific notation and in standard form. So first we will discuss that what is the scientific and standard form notation, and then we will start exercise 4D. So let's start chapter. Scientific notation. What is the scientific notation? Let's see here. The width of a Milky Way galaxy from edge to edge is about this. It is given 946 and so on 000 kilometer. Another way to write this number is in scientific notation as the product of two factors. One factor is number between 1 to 10. And the second factor is power of 10. Means अगर इस तरीके से लिखा जाए कि ये जो given number है इसको two factor के form में लिखा जाए, जिसमें से one factor किन के बीच का number हो, from 1 to 10, एक से लेकर 10 तक के बीच का number हो और या 10 से कम हो, और दूसरा factor जो हो वो 10 power के form में हो, means power of 10 के form में हो, तो उस तरीके का नोटेशन आपका क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा. जैसे ये नंबर है, तो अब इसमें पॉइंट इस लास्ट में सपोज किया जाएगा, तो पॉइंट को यहाँ पे लिखा 9.46 एंड कितने जीरो हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 16, 17, सो 10 पावर 17. मीन्स अगर पॉइंट 17 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस 16. सो व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ गिवन नंबर, 9.46 इंटू 10 पावर 17 किलोमीटर. ये तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया. इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है, ये 10 से कम है, इसको लिखा गया है 9.46, ना कि 94.6, 946, ऐसा नहीं, ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखा गया है कि इसकी वैल्यू बिटवीन 1 टू, आप 0 टू 10 कह लीजिए, ओके. और ये बाकी सेकेंड फैक्टर जो है वो 10 की पावर के फॉर्म में लिखा गया. ये इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया जो भी नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हो उसको पूरा पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया जाए, ठीक. ये क्या कहलाएगा आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा. जैसे 1.5 टू 10 पावर 8 था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, तो 1.5 to 000 एंड 000, ऐसे इस तरीके का नंबर मिला. तो हमको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा तो इस तरीके से लिखना है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन कहा जाएगा तो इस तरीके से लिखना है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाएगा तो ऐसे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4D. जूम कर दूँ इसको, ओके. इन द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नो, इज द नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन राइट यस और नोट. अब आपको ये बताना है कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है कि नहीं. 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 7, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो 10 की पावर के फॉर्म में है, इज इट क्लियर. बट 24 यहाँ पे लिखा हुआ, अगर 2.4 होता तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता. मीन्स नंबर क्या होना चाहिए, फ्रॉम 1 टू 10, बिटवीन 1 टू 10. मीन्स जो भी नंबर हो वो 1 से 10 के बीच में हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं हो सकता है. तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं है. खाली इसके होने से नहीं होता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, फर्स्ट फैक्टर बिटवीन 1 टू 10 एंड सेकेंड फैक्टर इन द पावर ऑफ 10, ये साइंटिफिक नोटेशन है. 7 मल्टीप्लाइड बाई 10/4, या इट इज साइंटिफिक नोटेशन. तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, नो. इसमें यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. हियर 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, 8.9 तो ठीक है बिटवीन 1 टू 10 है, बट इसको 10 पावर 2 होना चाहिए, तो ये 10 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए था, 5 की पावर नहीं बोली गई है कहीं. तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाली नहीं पूरी कर रहा है. सेकंड के लिए क्या होना चाहिए था, पावर ऑफ 10 होनी चाहिए थी यहाँ पे, ओके. इन फोर्थ पार्ट 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10.6, तो ये तो 10 पावर 6 है, इज इट क्लियर. बट ये नंबर आपका 1 से कम है, फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, बिटवीन 1 टू 10, तो ये नंबर आपका 1 से कम है, इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन
नहीं है, तो सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन कौन सा हो गया आपका? सेकेंड साइंटिफिक नोटेशन में बाकी सबका आंसर क्या होगा? नो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. ओके, इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग. अब इसको हमको कंप्लीट करना है. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि कितने जीरो हैं, या पॉइंट अगर लास्ट में है तो पॉइंट को जब शिफ्ट करेंगे हम फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमको पावर के फॉर्म में क्या लिखना है. यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, और एक डिजिट इसकी भी लेंगे क्योंकि पॉइंट लास्ट से शिफ्ट होकर यहाँ पर जाएगा. देखिए 5.4 हुआ है, तो अगर 5.4 हुआ है तो पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, और कितने प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुँचा होगा? 1 2 3 4 5 6 7. सो राइट हियर, ये जो ब्लॉक स्पेस है इसमें लिख दीजिएगा 7. हमने बाहर लिखा है क्योंकि उसके अंदर हम नहीं लिख सकते थे, बहुत छोटा प्रिंटिंग कंप्यूटराइज हो सकता है उसमें. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 पावर के फॉर्म में 7. यहाँ पे सिर्फ 7 फिल करना है आपको. ओके, इसमें देखिए पॉइंट लास्ट में है, और लिखा कैसे गया? 9.8, मतलब पॉइंट को यहाँ पे लाया गया है. तो कितने प्लेस पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 पावर 11. ओके, इट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पे क्या लिखना है? 11 लिख देना है. क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट ऐसे ही ये दिया गया है आपका, इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना होगा. तो अब आपको देखिए पॉइंट के 5 के बाद को पॉइंट लगाया गया है. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 5 के बाद का कोई नंबर नहीं है. तो पॉइंट कितने प्लेस शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो राइट हियर 10 पावर 13. ओके, सेम एज हियर यू कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 पावर 10, यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, क्वेश्चन नंबर 3. 72,000 इस तरीके का है, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है. तो जब साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, 10 पावर 4. पॉइंट लास्ट में सपोज किया जाएगा, सॉरी, पॉइंट लास्ट में सपोज किया जाएगा, और पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पर आएगा? 7 के बाद. 7 के बाद कितने डिजिट बनी? 1 2 3 4 ना, तो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4. अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? पहले डिजिट के बाद, मीन्स 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6. 8 × 10 पावर 6, इट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन. ओके, सेम एज इन दिस क्वेश्चन, 7.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पावर 8. ओके, आई होप यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए अभी ये था ना, 1.5 × 10 पावर 8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, मीन्स उसको एक्सपेंड कर दिया गया, पूरा 10 की पावर को इसके साथ अटैच कर दिया गया, जितने भी नंबर वैल्यू मिलती. 6 × 10 पावर 5, तो क्या लिखेंगे? 6 1 2 3 4 5. अच्छा 7.4 है, तो 7 4 3 0 है, तो पॉइंट 3 प्लेस शिफ्ट होगा. 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट था, 3 प्लेस शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि 7 10 पावर 3 था. इसमें 8.9 10 पावर 7, इसको आप लिखिएगा 8. अब पॉइंट कितने प्लेस शिफ्ट होगा राइट साइड? 7 प्लेस. 1 डिजिट तो 9 हो गई, उसके बाद के डिजिट कहाँ से लाएंगे? वो 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 इसको हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7 अरेंज हो गए. ऐसे ही आप कर सकते हैं इसके लिए और इसके लिए. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एवरी वन, गुड बाय.